अल्हम्दुलिल्लाह मेरा IVS में एडमिशन हो गया है। प्रूफ, ये सक्सेसफुल कैंडिडेट्स और ये आपका भाई सैयद अफान तारिक। सो IVS इज शॉर्ट फॉर इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर और जिस डिग्री में मैं मेजर कर रहा हूँ इट्स कॉल्ड कम्युनिकेशन डिज़ाइन। तो IVS पहुँचने की कहानी इतनी आसान नहीं थी। आई गिव यू गाइस सम बैकग्राउंड, इट ऑल स्टार्टेड बैक इन ओ लेवल्स इन रियाद। तो मैं आप लोगों को कुछ हाईलाइट्स भी दिखाता हूँ कि हम लोग एक्चुअली ओ लेवल्स में करते क्या थे। हम लोग ये हरकतें करते थे ना कि हम पढ़ाई करें, और हम लोग बेसिकली इंजॉय किया हमने अपने पूरे तीनों साल। तो तीन साल ऐसे ही निकाल के द ग्रेड्स आई गॉट वॉज AK और 4B, ये काफ़ी अच्छे मेरे लिहाज से, क्योंकि मैंने तीन साल पार्टी की और बिल्कुल भी सीरियसली पढ़ाई नहीं की। तो फिर ये ग्रेड्स लेके मैं शिफ्ट हो गया कराची फॉर माई A-levels। फिर कराची आके आई वॉज स्टिल शिट एट स्टडीज, लेकिन मैं आर्टिस्टिकली काफ़ी चीज़ें सीख रहा था एंड आई स्टार्टेड टू ग्रो माई पैशन फॉर ग्रेफिटी एंड आर्ट्स। हाँ तो देख, पहले मेरे पास थे दो सब्जेक्ट सिर्फ, सही है, दो सब्जेक्ट, उसके अंदर भी यू, सही है, माय बॉय। फिर उसके बाद थोड़ा बेहतर हुआ मैं, इम्प्रूवमेंट हुई, ई आ गया, एक ई आ गया, एक ई बॉयज, तो दो यू एक ई। तो इसके बाद थोड़ा और इम्प्रूव हुआ मैं, दो यू एक सी, सही है। फिर उसके बाद वापस डाउनहिल, ट्रिपल यू। फिर उसके बाद मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन की, यूज ट्रिपल यू, फिर ट्रिपल यू, फिर ट्रिपल यू, और ये हो गया मेरा दो साल यू टू के, दो साल ए लेवल्स के। प्राउड ऑफ यू, थैंक यू, प्राउड ऑफ यू, थैंक यू यार, थैंक यू। सीन ही अलग, ये सीन है वो गाइस। तो देखो बात ये है, बात असल में इतनी सी है कि फॉलो योर हार्ट, इफ़ यू लव समथिंग वर्क ऑन इट। ये नहीं वेट करो कि आके तुम इस बात पे सैड हो रहे, यार मेरे ग्रेड्स नहीं आ रहे, मैं फेलियर हूँ। ऑफ कोर्स आई गेट दैट, फेलियर तो हो लेकिन उससे आगे भी बहुत कुछ है। व्हाट मैं बताता हूँ, इफ़ यू पुट इनफ टाइम, इफ़ यू पुट इनफ एफर्ट, यू विल गेट समवेयर समडे। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत जल्दी हो जाएगा या बहुत टाइम लेगा, बट समडे इफ यू कंसिस्टेंट यूल गेट देयर 100%। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर कमिंग टू माई टेड टॉक। तो फॉर AS जो मेरे ग्रेड्स आए थे वो था एक सी और एक डी, क्योंकि दो सब्जेक्ट्स लेके भी मैं अच्छे ग्रेड्स नहीं ला सका। तो आई वॉज एक्चुअली काइंड ऑफ फेमस इन कॉलेज, पढ़ाई की वजह से बिल्कुल नहीं, बट ड्यू टू माई अदर एक्टिविटीज़। मैं अपने सेकेंड ईयर में आई वॉज एक्चुअली द प्रेजेंट ऑफ द म्यूज़िक आर्ट्स एंड ड्रामा सोसाइटी, और आई यूज टू गो ऑन स्टेज, आई यूज टू स्पीक, आई यूज टू गेट अवार्ड्स, आई यूज टू होस्ट इवेंट्स। फिर जब A2 ख़त्म हुआ एंड आई गॉट माई ग्रेड्स, और वो मैंने बड़ी हिम्मत करके इंस्टाग्राम लाइव पे खोले थे एंड दिस इज़ व्हाट एक्चुअली हैपेंड। सबको गुस्सा आ रहा है यार, ये मुझे टेंशन क्यों हो रही है, ओपन। हाँ हाँ रुको एक सेकंड यार, देखो ना जब वो हाइप बिल्ड हो ना फिर। बिस्मिल्लाह रहमान, ये तो पहले लॉग इन हो गया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हो गया हो गया, हो रहा है साइन इन हो रहा है। इधर किधर आ रहा है यार, मतलब कौन से पार्ट में आ रहा है? मैथ, मैथमेटिक्स सी, फिजिक्स शिट, उर्दू मैथमेटिक्स सी, उर्दू डी और फिजिक्स ई। ये देखो, ये पहला वाला है सी,
एक सेकंड है, फोकस क्यों नहीं हो रहा यार ये, सी ई और डी, तो मेरे ने फिजिक्स मेरा डाउनग्रेड कर दिया डी से ई, सही है, और उर्दू मैंने मुझे डी दिया, और मैथ में मेरा स्ट्रेट सी कंटिन्यू किया। यार पता है मसला वो नहीं है कि सी और डी का, वो तो मेरे पास पहले से ही था, लेकिन इन्होंने मुझे फिजिक्स में ई कर दिया यार। तो इन शिटी ग्रेड्स के साथ भी मुझे कोई डर नहीं था कि मैं अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि मैं जब पढ़ाई नहीं कर रहा था तो वो सारा टाइम मैं ग्रेफिटी में इन्वेस्ट कर रहा था, वीडियोस बना रहा था, कंटेंट बना रहा था, जो पिछले 2 साल से आप लोग देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट इनटू माय ड्रीम यूनिवर्सिटी। बाकी सबके लिए इतना बड़ी बात नहीं होगी इंडस वैली में आना, लेकिन मेरे जैसे स्टूडेंट और मेरे जैसे लड़के के लिए ये काफ़ी बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है। तो अब ये सारी बातें हो गई, तो हसन और मुझे जाना है IVS, उसके बाद पारस जाना है, हमें कुछ सामान लेना है और फोटोज़ वगैरह खिंचवानी है। सो लेट्स गो। और हसन का भी IVS में एडमिशन हो गया। अच्छा हसन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तुम कौन हो, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम, आई एम हसन कादरी एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। हुए नहीं थे वीडियो बनाते हुए, हसन ने गाड़ी मारी। ये इधर से इसका बंपर उतर गया है, लेकिन बैक टू IVS। फान आ गए हैं ड्राइविंग सीट पे, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है मेरी ड्राइविंग पे, इवन दो इन्होंने मैनुअल चलाई नहीं है कभी, मगर सही चला रहे हैं। दूसरा गियर डाल। अच्छा, तो मैं और हसन IVS आए हैं क्योंकि हमें ID कार्ड के लिए फ़ोटो खिंचवानी थी और कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, बाकी एक दो चीज़ें सेटअप करवानी है, वाईफाई लगवाना है अपनी डिवाइसेस में, तो हम लोग ये करेंगे, कुछ शॉट्स वगैरह लेंगे, फिर हम लोग निकलेंगे पारस अपने सारे स्टूडियो क्लासेस के लिए सामान लेने के लिए। देखो हम दो पल के राही हैं पंछी हम, कितने सालों से भागे हैं गम से हम, आगे तूफान है बादल बरसेंगे, अब लाएंगे नई खुशियाँ वो अपने संग, है ये रात अंधेरी नींद न आए, दुनिया सर में घूमे बस सूर्य, दिल को क्यों मचलाए, दिल से बोलूं इजी ब्रो, या तेरी मुझको सताए, लव इन टाइम करो ना ब्रो, कौन सा ये बता, फोकस नहीं हो रहा, गया गया जाना। तो हम लोग अब IVS से निकल गए, ये रहा IVS, और अभी हम लोग जा रहे हैं पारस ताकि मैं सारा स्टूडियो का सामान ले लूं और देखते हैं कितना खर्चा होता है। यार रहने पे हैं हम, मरते क्यों ना, खो जाए हैं दूसरे में हम, देखो दो पल के राही हैं पंछी हम, पंछी हम, पंछी हम, पंछी हम, पंछी हम, देखो हम दो पल के राही हैं पंछी हम, पंछी हम, पंछी हम, पंछी हम, पंछी हम, देखो हम दो पल के राही हैं पंछी हम, तेरी यादों में आज भी गुम बैठे हम, सारे तूफानों से लड़के चीले ये पल, आसमां में ढूंढे खुशियों के नए रंग, हाय रात अकेली नींद न आए, तन्हाई में मरते जाए, तेरी यादों को तड़पाए, तू ही सिर्फ एक हमदर्द, ख्वाबों में तू रोज आए, दिल में दर्द रोज बढ़ता जाए, तेरी यादें तड़पाए। ये ले थैली ले, स्केल ले। हसन बता, आर्ट स्कूल कितना महंगा है अपना? सही मजाक कर रहा हूँ, तुम बहुत अमीर हो। नहीं नहीं, मगर है आपके सेमेस्टर फीस के अलावा पर सेमेस्टर ही आपका सामान वामान का इतना खर्चा होता है कि आपको आर्ट सप्लाईज वगैरह और ये सब रीस्टॉक करते रहो आप हर वक्त, तो ऐसा सीन है। तो अभी हमारे सेमेस्टर शुरू हो गए हैं, लेकिन सीन ये है कि हमारी क्लासेस बस ऑनलाइन चल रही हैं क्योंकि कोरोना की वजह से, और मार्च के मिड में खुलेगा हमारा सेमेस्टर इन पर्सन,
तो जब तक हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं. सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो और होपफुली आई विल मेक सम कॉन्टेंट व्हेन IVS ओपन्स. और अभी तो हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं. उसके अलावा थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी. और आप सबकी वजह से, आप सबकी सपोर्ट की वजह से, मेरे दोस्तों की वजह से जिनको मैंने इतना तंग किया एडमिशन्स के टाइम पे, और उन लोगों ने मेरे सबने हेल्प की. सो थैंक यू टू देम. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू लेटर. अल्लाह हाफिज़. मैं हसन हूँ और तेरी आवाज़ क्यों भारी हो? बस यार सीन ये है कि थोड़ा सा मैनली लगना.